नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 2020 का राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए किस तरह का रहेगा, कौन से विशेष ग्रह उनके लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उनका प्रभाव उनके कैरियर, आर्थिक स्थिति, रिलेशनशिप, साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किस तरह का रहेगा, इन सारे विषयों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र देव 9 अप्रैल को आपके विद्या भाव में आ जाएंगे। मंगल ग्रह 25 अप्रैल तक आपके अपने घर में गोचर करने वाले हैं। बुध ग्रह 15 अप्रैल को आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव लेकर आया है। कैरियर के दृष्टिकोण से जो मकर राशि के जातक पिछले कुछ महीनों से अच्छे मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये महीना कामयाबी लेकर आया है। अप्रैल के महीने में निश्चित ही मकर राशि के जातकों के समय बदलने वाला है। जो मकर राशि के जातक खूब मेहनत कर रहे थे अच्छे जगह व्यवसाय एवं कार्य करने के लिए, उनके लिए अप्रैल का महीना बड़ी उपलब्धियां लेकर आया है। मकर राशि के जातक अपने मेहनत एवं प्रतिभा के चलते सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल करने में इस महीने कामयाब रहेंगे। मूलतः दोस्तों, कैरियर के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना सैलरी में वृद्धि तो लेकर आया ही है, साथ ही प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे जातकों के लक्ष्य प्राप्ति में भी ये महीना कई सुनहरे मौके आपको प्रदान करने वाला है, जिसके चलते मकर राशि के जातक और अधिक धन कमाने में कामयाब रहेंगे। जो मकर राशि के जातक व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ज्यादा मुनाफा प्राप्त करने वाला रहेगा। यदि मकर राशि के जातक अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, तो इस महीने आपके लिए शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, अच्छी ग्रह स्थिति के चलते मकर राशि के जातकों को भाग्य का साथ भी भरपूर प्राप्त रहने वाला है। मूलतः दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने आपको सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होने वाली है। जो मकर राशि के जातक कई महीनों से नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनकी भी तलाश इस महीने पूर्ण होने वाली है, जिसके चलते वे अपने मनचाहे स्थान पर कार्य करने में सफल रहेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके गुरु ग्रह के बारे में। बृहस्पति देव 15 अप्रैल को आपके अपने घर में गोचर करने वाले हैं। सूर्य ग्रह 13 अप्रैल को आपके सुख भाव में आ जाएंगे। दोस्तों, इन ग्रहों के गोचर के आधार पर आपके लिए अप्रैल के महीने में शुभाशुभ योग का निर्माण हो रहा है। मकर राशि के जातकों को बृहस्पति देव की स्थिति उन्हें अपार धन लाभ प्राप्त कराने वाली है, साथ ही अपने सहकर्मियों, साथियों एवं परिजनों का सहयोग भी आप प्राप्त करने वाले हैं। बृहस्पति देव की अच्छी स्थिति के चलते आपको अपने कार्य क्षेत्र पर नई जिम्मेदारियां संभालने का अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों, मंगल ग्रह की स्थिति के चलते आप अपना खुद का घर बनाने में कामयाब रहेंगे। जमीन मकान से आपको विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। पैतृक संपत्ति से भी अप्रैल के महीने में आपको एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। अप्रैल के महीने में मकर राशि के जातकों को अनपेक्षित धन लाभ प्राप्त होंगे, जिसके चलते जो जातक शेयर बाजार से डील करते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ भी वे धन निवेश करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, अच्छी ग्रह स्थिति के चलते कब नसीब के सितारे चमक जाते हैं, इसका आभास नहीं होता है, तो कुछ इस तरह की बात रहने वाली है मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल के महीने में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए ये महीना किस तरह का रहने वाला है। दोस्तों, बुध ग्रह की स्थिति के चलते विद्यार्थी अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने में कामयाब रहेंगे। जो जातक खूब मेहनत कर रहे हैं अच्छी नौकरी पाने के लिए, उनके लिए भी सरकारी क्षेत्र में नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। अप्रैल का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ देखा जा सकता है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ विद्यार्थी धन कमाने में भी कामयाब रहेंगे। दोस्तों, मकर राशि के जातकों के अगर हम प्रेम जीवन की बात करें, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान है, साथ ही गुरु ग्रह आपके अपने घर में गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते अप्रैल के महीने में आपके लिए प्रेम की बौछार होने वाली है। जो जातक अभी तक सिंगल हैं, प्रेम की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सच्चे जीवन साथी प्राप्त होंगे। आपको अपने प्रियतम के साथ खूबसूरत वक्त बिताने का अवसर प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन में मकर राशि के जातकों के संबंध मधुरता की ओर बढ़ रहे हैं, इसी कारण इस महीने आपके वैवाहिक रिश्ते और मजबूत देखे जा सकते हैं। वैवाहिक जातकों के संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रेम जीवन में ये महीना आपके लिए सौगाते लेकर आया है, इस महीने का लाभ अवश्य ले। मकर राशि के जातकों के लिए जीवन की हर एक स्थिति अच्छी होने के कारण इनके पारिवारिक सुखों में भी अप्रैल का महीना वृद्धि लेकर आया है। कुल मिलाकर रिलेशनशिप के मामलों में मकर राशि के जातकों को कोई समस्या नहीं आने वाली है। आइए दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं स्वास्थ्य किस तरह का रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य अप्रैल के महीने में सामान्य देखे जा सकते हैं। कोई भी बड़ी समस्या आपके समक्ष नहीं आने वाली है। हालांकि कोरोना वायरस से सावधान रहें, हो सके तो अपने घर से ही अपने काम को पूरा करने का प्रयास करें और सरकारी निर्देशों
आदर्शों का पालन करें। तो दोस्तों ये था अप्रैल 2020 का राशिफल। मकर राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर अप्रैल का महीना आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।